एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। मुथुवेल करुणा निधि का जाना कई मायनों में एक युग का अंत होने जैसा है। इस युग में उनके और जयराम जयललिता के बीच एक कड़वाहट भरी दुश्मनी देखने को मिली है। नेताओं के बीच दुश्मनी तो अक्सर देखने को मिलती ही है, लेकिन करुणा निधि और जयललिता की दुश्मनी का स्तर बहुत अलग था। दोनों ही दक्षिण भारत की राजनीति में मजबूत नेता थे और दोनों ने राजनीतिक दुश्मनी उस हद तक निभाई जैसी बहुत कम देखने को मिलती है। और दक्षिण भारतीय राजनीति में तो और भी मुश्किल है। बाकी नेताओं से अलग ये दोनों विधानसभा में ज्यादा मुस्कुराई नहीं या संसदीय मजाक नहीं किया। वो एक ही जगह रहती थी जहां वो बहुत ही कम सही पर एक दूसरे के सामने आए। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के चलते स्थितियां दूसरे राज्यों जैसी नहीं थी। यहां अन्य राज्यों की तरह एक मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता का एक ही मंच साझा करना या राष्ट्रीय नेताओं के स्वागत के लिए आधिकारिक लंच या डिनर में शामिल होने का चलन नहीं रहा। जयललिता पर लिखी गई एक किताब में लेखिका और तमिलनाडु पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक वसंती कहती है कि वो सिर्फ एक दूसरे को नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह नफरत करते थे। वसंती विधानसभा में मार्च 1989 में हुई एक घटना के बारे में बताती हैं, जब जयललिता ने विपक्ष के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री करुणानिधि द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुद्दा उठाया था। ये वो वक्त था जब करुणानिधि ने बजट पेश करना शुरू किया था और जयललिता ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इसके बाद किसी ने करुणानिधि पर फाइल फेंकी और उनका चश्मा टूट गया। इसकी प्रतिक्रिया में ट्रेजेडी बेंच से किसी ने जयललिता की साड़ी खींच दी। वसंती बताती हैं कि जयललिता ने इसे कभी माफ नहीं किए जाने वाला अपमान बताया था और कसम खाई थी कि वो विधानसभा में तभी लौटेंगी जब करुणानिधि सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मालन कहते हैं कि करुणानिधि के लिए जयललिता ऐसी नेता थी जो द्रविड़ संस्कृति से आई थी और ना ही वो रैंक के आधार पर आगे बढ़ी थी। जब जयललिता के गुरु एमजी रामचंद्रन ने डीएमके से अलग होकर एआईएडीएमके बनाई तो वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनी। साथ ही वो ब्राह्मण थी और डीएमके हमेशा ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ती रही थी। वसंती कहती है कि तमिलनाडु में जो भी गलत हुआ करुणानिधि ने जयललिता को हमेशा उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। करुणानिधि ने जयललिता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा। फिर जब जयललिता सत्ता में आई तो उन्होंने करुणानिधि को उनके घर से आधी रात को गिरफ्तार करवा लिया। एमजी रामचंद्र और करुणानिधि के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव रहा है। करुणानिधि ने एक फिल्म में रोल निभाने में और करने में एमजी रामचंद्रन की मदद की थी। वहीं एमजीआर ने करुणानिधि को मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन दिया था। ये दोस्ती सालों तक बनी रही, लेकिन जब एमजीआर ने पार्टी में खुद को अलग थलग होता देखा तो वो करुणानिधि से दूर हो गए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। Oh!